Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is class C in IP addressing. It is the part of classful addressing जहाँ पे हम IP addresses को 5 classes में divide करते हैं, class A, B, C, D and E. तो इस वीडियो में हम क्लास सी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो क्लास सी में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम IPv4 के बारे में बात कर रहे हैं. IPv4 में जो IP address होता है वो 32 bits का होता है और मैंने यहाँ पे 32 bits को 4 octets में divide किया हुआ है because we are following the dotted decimal representation. ये हमने last videos में भी मैंने discuss किया था. यहाँ पे जो 32 bit का जो है, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें, पहला question जो है, पहला point वो है range. मतलब कि अगर मुझे कोई IP address दिया है तो उस IP address को देखते ही मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रेंज फाइंड करनी है और रेंज फाइंड हम कहां से करते हैं, पहले ऑक्टेट से. मतलब पहले ऑक्टेट की वैल्यू को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है या नहीं. कैसे, यहां पे मैंने 8 बिट्स को यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये 8 प्लेसेस हैं. इन 8 प्लेसेस पे अगर मैं बात करूं तो पहली जो तीन पोजीशंस है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है. इन तीन पोजीशंस की वैल्यू है 110. मतलब कहने का कि इन वैल्यूज को तो आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये वैल्यूज क्या है, प्रीफिक्स. ये यहां पे वैल्यूज प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रही है. मतलब कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको दिया है, अगर वो आपको बाइनरी वैल्यूज में भी दिया हुआ है, क्योंकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी की जा सकती है, तो आप पहली तीन वैल्यूज को देखते ही पता लगा सकते हो कि दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी. अब हम बात करें इसके बाद कि चलो हमें ये तो पता लग गया कि पहली तीन वैल्यूज तो यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे बाकी कितनी वैल्यूज बची, बाकी कितने प्लेसेज है. बाकी प्लेसेज है यहाँ पे 5. तो इन 5 प्लेसेस पे मैं क्या वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, 0000. मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 जीरोस. उसके बाद 00001, 00010011. ये वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लास्ट मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 11111. मतलब 5 वंस सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 जीरोस. सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 1. बट डोंट फॉरगेट द 3 वैल्यूज, दैट इज 110 व्हिच इज द फिक्स्ड वैल्यूज. तो 110 जो है वो यहां पे फिक्स है, क्योंकि ये जो है जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपको पूरे को कन्वर्ट करना है, पूरे ऑक्टेट को कन्वर्ट करना है ना यार. यहाँ पे 3 वैल्यूज तो मेरी ऑलरेडी पड़ी है, 5 वैल्यूज को हमने मिला के पूरी 8 वैल्यूज को अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो इस नंबर का, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे क्या वैल्यू बनेगी, 192. बिकॉज 191 तक क्लास बी में आता था, 192 से क्या स्टार्ट हो गया, क्लास सी. 193, 194, इस तरीके से करते करते लास्ट वैल्यू 110 फॉलोड बाय 5 वंस. इसको अगर आप कलेक्टिवली कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, सो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 223. तो मेरा यहां पे पहले पॉइंट का या पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ गया, रेंज कहां तक है, 192 से 223. 192 से 223 की रेंज मेरे पास यहां पे आ गई. अब इस रेंज में कितने आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, अगर आप सिंपल सा देखो यहां पे कितने आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, यहां पे नियर अबाउट 2^2, दैट इज 32. मतलब 192 से लेके 223 तक कितने आईपी एड्रेसेस हैं, दैट इज 32. अभी ये कोई फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट अ पॉइंट है, यहां पे मैं बता रहा हूं रेंज मेरे पास आ गई. अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आ सकता है, नंबर ऑफ एड्रेसेस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन क्लास सी. मतलब आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं क्लास सी में. आईपी एड्रेसेस निकालने के लिए आप कैसे फाइंड करते हो, पहली तीन पोजीशन तो फिक्स है, मतलब इन तीन पोजीशंस को तो आप बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते, ये तो फिक्स है. तो बाकी कितनी बची यहां पे, 5, और यहां पे कितनी है, 8 और 8, मतलब 24 और 5 29. सो टोटल विल बी 2^29, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स कितनी है यहां पे, 29. इन तीन को छोड़ दो आप,
क्योंकि ये तो फिक्स है 29 बिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हुए 2^29, मतलब 2^29 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है किसमें, क्लास सी में। और इसको अगर आप देखो तो ये आपका नियर अबाउट 12.5% ऑफ द टोटल आईपी एड्रेसेस, टोटल आईपी एड्रेस कितने 2^32, उसमें से ये कितनी प्रोपोर्शन है 12.5%, तो 12.5% ऑफ द आईपी एड्रेसेस आर इन द क्लास सी। अब हम इसमें से बात करने जा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं और हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास सी। तो नेटवर्क्स फाइंड करने के लिए हमें पता है यहां पे कि क्लास सी में नेटवर्क के लिए 3 ऑक्टेट रिजर्व किए हुए हैं और लास्ट ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये 3 ऑक्टेट जो यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को, और ये लास्ट वाला ऑक्टेट यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट को। जैसे कि क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, 2 ऑक्टेट होते थे होस्ट के लिए, क्लास ए में 1 होता था नेटवर्क के लिए, 3 होते थे होस्ट के लिए, यहां पे 3 नेटवर्क के लिए और 1 किसके लिए होस्ट के लिए। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स निकाल लो कि नेटवर्क्स की कितनी बिट्स है, 8 बिट यहां पे 16 और 5 यहां पे, 5 प्लेसेस यहां पे, बिकॉज ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ने, ये तो आपके फिक्स वैल्यूज है क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है। तो 8 और 8 16 और 5 21, दैट इज 21। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल 2^21, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट इज 21। जब नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट 21 है तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस या टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हुए, वो 2^21। तो यानी मेरे दूसरा जो पॉइंट है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स पॉसिबल इन क्लास सी, इट इज 2^21 विच इज अप्रोक्सीमेट 20 लैक्स, मतलब नियर अबाउट 20 लैक्स के इक्विवेलेंट ये वैल्यू जो है वो आ रही है नियर अबाउट। तो यहां पे 20 लाख नेटवर्क्स पॉसिबल है क्लास सी के अंदर। अब हर एक नेटवर्क के अंदर, कोई भी एक नेटवर्क अगर मैं उठाऊं उसके अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, अगर यहां पे आपको लग रहा हो कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे पॉसिबल है 2^21, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो 192 193 194 up to 223, तो ये कितने आईपी एड्रेसेस है यहां पे, पहले ऑक्टेट में 32, मतलब 32 वैल्यूज है यहां पे, मैं यहां लिख देता हूं 32। हर एक वैल्यू के लिए यहां पे 8 बिट्स है और यहां पे भी 8 बिट्स है, मतलब 8 बिट्स को कितनी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो 256 से, और यहां भी 8 बिट्स है जिसको आप 256 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको सिंपल पॉइंट ऑफ से देखो तो 192 के लिए यहां पे सिर्फ 192 अगर वैल्यू मैं फिक्स कर दूं पहले ऑक्टेट की, तो यहां पे आपके पास 256 × 256 पॉसिबल वैल्यूज है। फिर अगर आप 193 लेते हो तो 193 के लिए भी 256 × 256, 194 के लिए भी 256 × 256, तो यानी कितनी है ये वैल्यूज, ये वैल्यूज है टोटल 32। सो हर एक 32 वैल्यूज के लिए 256 × 256 वैल्यूज पॉसिबल है, और ये वैल्यू जो है वो नियर अबाउट क्या आती है आप चेक कर लो, 32 को आप 2^5 लिख सकते हो, इसको 2^8, इसको भी 2^8, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2^21, exactly equal to, not approximately, it is exactly equal to 2^21, और यही हमने value निकाली थी। So this is why the 2^21 number of networks possible in class C। अब हम बात कर रहे हैं हर एक network के अंदर कितने host possible हैं। In every network, how many hosts possible? हर एक network के अंदर host निकालने के लिए आपको host bit पे आ जाओ। Host bits कितनी है? 8। तो यानी कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है 256, मतलब एक नेटवर्क के लिए, क्लास सी के एक नेटवर्क के लिए 256 होस्ट पॉसिबल है। यानी अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लास सी का एड्रेस लेती है तो उसके अंदर वो 256 नंबर ऑफ होस्ट जो है वो क्रिएट कर सकती है, लेकिन 256 के 256 हम होस्ट को नहीं दे सकते, मतलब यूजर्स को नहीं दे सकते। द यूजेबल वैल्यू इज -2, दैट इज 254। सो द थर्ड पॉइंट इज 254, नंबर ऑफ होस्ट
पॉसिबल होस्ट, इसको अब नंबर ऑफ होस्ट तो 256 ही है, बट नंबर ऑफ पॉसिबल या नंबर ऑफ यूजेबल वैल्यूज दैट इज व्हाट 254. और इसका रीजन क्या है, ये मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि इसका रीजन क्या होता है, जो फर्स्ट एड्रेस होता है और लास्ट एड्रेस उसको हम किसी भी यूजर को नहीं देते. क्यों नहीं देते, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको इसको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया पूरा. लेट से कि एक क्लास सी का नेटवर्क लेते हैं 194.2.3.4. एक सिंपल आईपी एड्रेस लिया मैंने 194.2.3.4. अब इस आईपी एड्रेस का मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है. तो पहले तो आप रेंज पे आ जाओ. रेंज कितनी है, 192 से 223. क्या ये 193 से 223 के बीच में आते हैं? सिर्फ आपको पहला ऑक्टेट फाइंड करना है, पहले ऑक्टेट की वैल्यू. यस, तो आपको सिंपली बोल सकते हो कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है. अब नेक्स्ट, इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी कौन सी है? इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज करते हैं. और क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0. और हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनके बीच में, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज के बीच में जो है हम एंड ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं. और एंड ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करो तो 194 को आप बाइनरी में पूरा ओपन कर लो, 255 को सिंपली क्या होता है, 8 वंस होते हैं. तो अगर आप किसी भी वैल्यू को वंस के साथ एंड करोगे तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी. ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ. अगर आप 2 को ओपन करते हो तो इसको क्या लिखोगे, 0000010, और 255 को 1111111. तो अगर आप इसको एंड करोगे तो सिर्फ ये वाला 1 ही दोबारा 1 आएगा, बाकी सारी क्या आएंगी, जीरोस. तो यानी 2 का 2 ही वापस आ गया. तो आप इसको सिंपली चेक कर सकते हो. अब 3 और 255 का एंड करोगे तो 3 ही वापस आ जाएगा, 4 एंड 0 का एंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0. बिकॉज आप सारी वैल्यूज के साथ जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, 0. तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो क्या बन जाएंगी, 0. तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया नेटवर्क की आईडी. मतलब कि ये जो आईपी एड्रेस था वो किस नेटवर्क से बिलोंग करता था, इस नेटवर्क से वो बिलोंग करता था. मतलब मेरे पास एक नेटवर्क है, किसी भी एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब सारी दुनिया उस नेटवर्क को किस आईपी एड्रेस से जानती है, ये वाले आईपी एड्रेस से. क्या है, 194.2.3.0. और इस आईपी एड्रेस में, इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, क्लास सी का है तो कितने होस्ट पॉसिबल है, 256 है टोटल, लेकिन हम यूज कितने करते हैं, 254. बिकॉज पहला ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये पहला है, ये हम किसी भी होस्ट को नहीं देंगे बिकॉज ये इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एक लास्ट वाला कौन सा होगा, नेटवर्क की बिट को तो छेड़ना नहीं, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दो. बिकॉज अगर नेटवर्क की बिट को आपने चेंज कर दिया तो वो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, किसी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्स वाई जेड पे पहुंच जाओगे. तो नेटवर्क की बिट को तो एज इट इज कॉपी कर दो, लेकिन जो लास्ट ऑक्टेट है जो होस्ट की बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट की बिट्स में सारे वंस पुट कर दो. मतलब 8 वंस जो है वो मैं यहां पे पुट कर दूंगा. 8 वंस क्या होते हैं, 255. तो यानी टोटल कितने आईपी एड्रेसेस हैं, 256. लेकिन इन 256 में से पहला ये 0 वाला किसी भी यूजर को नहीं देना बिकॉज ये इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ना लास्ट वाला देना किसी भी यूजर को, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. अगर कोई बाहर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहता है, ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तो वो कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस डालेगा, ये वाला, ताकि राउटर को पता लग जाए कि ये वाला पैकेट जो है वो सारे होस्ट को प्रोवाइड करना है. तो इसीलिए ना तो ये आईपी एड्रेस यूज करते हम और ना ये वाला आईपी एड्रेस यूज करते किसी होस्ट को देने के लिए. इनके अलावा कितने बचे मेरे पास, 254, वो मैं किसी भी होस्ट को प्रोवाइड कर सकता हूं. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास सी. थैंक यू.